हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेरॉइड फ्री बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस सीरीज की नई वीडियो चैप्टर नंबर 5 में। दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो विशेषकर उन खिलाड़ियों के लिए समर्पित है जो बॉडी बिल्डिंग खेल व फिटनेस जगत में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास इसके लिए जरूरी खुराक खाने के पैसे नहीं होते। आज मैं एक ऐसे प्राकृतिक स्रोत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो पेशियों को बढ़ाने में किसी भी सप्लीमेंट से 100 कदम आगे है, जो बेहद सस्ता है तथा आसानी से मिल भी जाता है। यह किसी भी सप्लीमेंट से इतना ज्यादा पौष्टिकता से भरा हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पृथ्वी के सुपर फूड का दर्जा दिया है। यदि कोई बॉडी बिल्डर केवल इसी का प्रयोग करता रहे तब भी वह पेशी वृद्धि का अपना लक्ष्य पालेगा। तो दोस्तों, हो जाओ तैयार उस स्रोत के बारे में पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, पृथ्वी के इस सुपर फूड का नाम है अलसी। मांसपेशियों के विकास के लिए सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है अलसी। यह बाजार में आसानी से मिलने वाला प्राकृतिक विकल्प है। शरीर सौष्ठव यानी कि बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ियों के लिए प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, लिग्नेन जैसे अनेक पोषक तत्वों से भरपूर अलसी पृथ्वी पर उपलब्ध अनेक विकल्पों में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक व सस्ता विकल्प है। इसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। मांसपेशियों को शक्ति संपन्न बनाने के लिए इसमें उपलब्ध इतने अधिक पोषक तत्व हैं कि इतने पोषक तत्व बाजार में उपलब्ध किसी भी सप्लीमेंट में आपको नहीं मिल सकते। अलसी BMR बढ़ाती है, खाने की ललक कम करती है, चर्बी कम करती है, शक्ति व स्टेमिना बढ़ाती है, आलस्य दूर करती है और वजन कम करने में सहायता करती है। ओमेगा 3 और प्रोटीन मांसपेशियों का विकास करते हैं, अतः बॉडी बिल्डिंग के लिए नंबर 1 और सबसे सस्ता सप्लीमेंट है अलसी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस के बाद सुबह या शाम सप्लीमेंट के स्थान पर इसकी एक एक चम्मच पाउडर पानी के साथ सब्जी, दाल या सलाद में मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा अलसी के पाउडर को जूस, दूध या दही में मिलाकर भी लिया जा सकता है। इसकी मात्रा 30 से 60 ग्राम प्रतिदिन तक ली जा सकती है। दोस्तों, 100 से 500 ग्राम अलसी को मिक्सर में दरदरा पीसकर किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हो। अलसी को अधिक मात्रा में पीसकर ना रखें, यह पाउडर के रूप में खराब होने लगता है। 7 दिन से ज्यादा पुराना पीसा हुआ पाउडर प्रयोग ना करें। दोस्तों, यह तो रही बॉडी बिल्डिंग के लिए अलसी के प्रयोग की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि अलसी के अन्य उपयोग क्या हैं जिसकी वजह से WHO ने इसे सुपर फूड का दर्जा दिया है। दोस्तों, खांसी होने पर अलसी की चाय बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। दूसरा, दमा रोगी 1 चम्मच अलसी का पाउडर को आधा ग्लास पानी में 12 घंटे तक भिगो दें और उसका सुबह शाम छानकर सेवन करें तो काफी लाभ होता है। आयुर्वेद के अनुसार हर रोग की जड़ पेट है और पेट साफ रखने में अलसी ईसबगोल से भी अधिक प्रभावशाली है। अलसी रक्त में शर्करा ही नियंत्रित नहीं रखती बल्कि मधुमेह के दुष्प्रभावों से सुरक्षा और उपचार भी करती है। अलसी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हृदय गति को सही रखती है तथा रक्त को पतला बनाए रखती है। रक्त वाहिकाओं को स्वीपर की तरह साफ करती रहती है अलसी, यानी हार्ट अटैक के कारण पर ही अटैक करती है अलसी। अलसी प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की एकाग्रता का विकास होता है। त्वचा, केश और नाखूनों का नवीनीकरण या जीर्णोद्धार करती है अलसी। अलसी के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 व लिग्नेन त्वचा के कोलेजन की रक्षा करते हैं और त्वचा को आकर्षक, कोमल, नम, बेदाग व गोरा बनाते हैं। चिर यौवन का स्रोत है अलसी। बालों का काला हो जाना या नए बाल आ जाना जैसे चमत्कार भी कर देती है अलसी। किशोरावस्था में अलसी के सेवन करने से कद बढ़ता है। पृथ्वी पर लिग्नेन का सबसे बड़ा स्रोत अलसी ही है, जो जीवाणु रोधी, विषाणु रोधी, फफूंद रोधी और कैंसर रोधी है। अलसी शरीर की रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर शरीर को बाहरी संक्रमण या आघात से लड़ने में मदद करती है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है।
स्त्रियों के लिए अमृत है अलसी। इसमें मिलने वाला लिग्नेन वनस्पति जगत में पाया जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो स्त्री हार्मोन ईस्ट्रोजन का वानस्पतिक प्रतिरूप है और नारी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे रजस्वला, गर्भावस्था, प्रसव, मातृत्व और रजोनिवृत्ति में विभिन्न हार्मोन्स का समुचित संतुलन रखता है। लिग्नेन दुग्धवर्धक है। लिग्नेन स्तन, बच्चेदानी, आंत, प्रोस्टेट, त्वचा व अन्य सभी कैंसर, एड्स, स्वाइन फ्लू तथा इनलार्ज प्रोस्टेट आदि बीमारियों से बचाव व उपचार करता है। जोड़ की हर तकलीफ का तोड़ है अलसी। ऑर्थराइटिस, सियोटिका, ल्यूपस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि का उपचार है अलसी। कई असाध्य रोग जैसे अस्थमा, अल्जाइमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिप्रेशन, पार्किंसंस, ल्यूपस, नेफ्राइटिस, एड्स, स्वाइन फ्लू आदि का भी उपचार करती है अलसी। यदि अलसी का प्रयोग लंबे समय तक किया जाए तो चश्मे से भी मुक्ति दिला देती है यह। दोस्तों, 1952 में डॉक्टर योहाना बुडविग ने ठंडी विधि से निकले अलसी के तेल, पनीर, कैंसर रोधी फलों और सब्जियों से कैंसर के उपचार का तरीका विकसित किया था, जो बुडविग प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह कैंसर का सस्ता, सरल, सुलभ, संपूर्ण और सुरक्षित समाधान है। उन्हें कैंसर रोगियों के इलाज में 90% से ज्यादा सफलता मिली थी। इसके इलाज से वे रोगी भी ठीक हो गए थे जो कैंसर की अंतिम अवस्था में थे। नेता और नोबेल पुरस्कार समिति के सभी सदस्य इन्हें नोबेल पुरस्कार देना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि इस उपचार के प्रचलित होने और मान्यता मिलने से $200 बिलियन का कैंसर व्यवसाय, जो कि कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा उपकरण बनाने वाली बहुराष्ट्रीय संस्थान के द्वारा निर्मित हुआ था, रातों रात धराशायी हो जाएगा। इसलिए उन्हें कहा गया कि आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को भी अपने उपचार में शामिल करना होगा। दोस्तों, उन्होंने सशर्त दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार को एक नहीं 7 बार ठुकराया था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अलसी को WHO ने सुपर फूड की कैटेगरी में क्यों रखा है। तो दोस्तों, यह वास्तव में सुपर फूड है। तो मुझे बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इस सुपर फूड के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले और उन खिलाड़ियों को फायदा मिले जिनके पास पैसे कम हैं। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए मेरी इस सीरीज के चैप्टर नंबर 6 का। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।